जो ग्रामर का जो लेसन्स है, नाम है चेंज द डिग्री। ये चेंज द डिग्री अगर आपको मतलब कौन से डिग्री से कौन से डिग्री में चेंज करना है तो ये हमें भी सीखना है। तो ये अगर तुम्हारे को अच्छा लगा चैप्टर तो तुम मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। तो चेंज द डिग्री के सबसे पहले तुम्हारे को तीन फॉर्म मालूम होना जरूरी है, जिसके एडजेक्टिव कितने फॉर्म, तीन फॉर्म। अब वो तीन फॉर्म कौन से है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो तीन फॉर्म, पहली रहती हुई डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री रहती कंपेरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे तीन डिग्री रहती, उसको शॉर्ट में पीडी, सीडी और एलडी ऐसा भी कहते हैं, पीडी सीडी और एलडी। तो देखो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगेस्ट, चौथी बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ऐसे डिग्री के बहुत सारे फॉर्म्स है, पॉजिटिव के, कंपेरेटिव के और सुपरलेटिव। तो हमें अभी देखने का है कि सेंटेंस कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री मतलब कंपेरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज होता है, कंपेरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव और पॉजिटिव किस तरह से होता है वो देखते हैं। अगर कंपेरेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव होती है, कंपेरेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव होती है, और पॉजिटिव डिग्री अगर निगेटिव होती है तो कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रहा है? तो जो डिग्री पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना पड़ता है और निगेटिव है उसको पॉजिटिव करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं, अभी कंपेरेटिव डिग्री का आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, राम इज ब्रेवर देन श्याम, मतलब राम ये श्याम से शूर है, बोले तो ब्रेव है। yes. समझे? राम श्याम से क्या है, ब्रेव है, श्याम नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी उसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी थी। तो ये होगा सीडी, बोले तो कंपेरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में कैसा बनता, देखो पहले क्या आएगा, श्याम जिससे कंपेयर किया हो, श्याम इज नॉट एज ब्रेव एज राम। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो राम है वो श्याम से अधिक ब्रेव है, लेकिन श्याम है क्या no. नहीं। तो श्याम इज नॉट एज ब्रेव एज 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 का मीनिंग के जैसा, किसके जैसा, राम के जैसा, क्या नहीं है, ब्रेव नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में ऐसा बना। पॉजिटिव डिग्री कैसी थी, पॉजिटिव में थी। तो जब अपन पॉजिटिव डिग्री बना रहे तो उसको क्या किया अपन ने, नेगेटिव है ना। yes. मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कंपैरेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री को क्या बना है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव। तो अब दूसरा सेंटेंस और लेंगे कि अजय इज वीकर देन विजय, अजय इज वीकर देन
तो कंपेयर ही कर दिया अपन ने, इसका भी पॉजिटिव डिग्री में रूपांतर कर देना है, मतलब चेंज कर लेना है। तो पहले क्या आएगा, विजय इज नॉट एज बिग एज अजय, मतलब अजय विजय से क्या है, कमजोर है, अजय विजय से कमजोर है, विजय है क्या नहीं। तीसरा सेंटेंस देंगे कि आशा इज स्ट्रॉन्गर देन उषा, आशा है उषा से कैसी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उषा है क्या नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेगा, उषा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आशा। इस तरह से वो सेंटेंस आपके आएंगे, मतलब सीढ़ी है तो उसका क्या किया अपन ने, पीडी कर दिया, क्या करने का पीडी, ये सीडी है तो उसका क्या किया अपन ने पीडी किया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री चेंज होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे तुम्हारे को जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सेंटेंस तुम्हारे को इसी तरह से क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेगा। तो अब हम आपको एक सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का देते हैं, वो उसको कंपैरेटिव में करेंगे, मतलब यहाँ पे दिव्या इज नॉट एज बिग एज दिनेश, दिव्या इज नॉट एज बिग एज दिनेश, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री करने का है, नेगेटिव है मतलब उसका कंपैरेटिव में करते समय वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर दिनेश जाएगा बिगर बिगर देन दिव्या, मतलब दिनेश ये दिव्या से क्या है, बड़ा है, दिव्या दिनेश से बड़ी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के तुम्हारे कुछ सेंटेंस इसके डिग्री में और है, मतलब एक एक व्यक्ति की तुलना एक से ज्यादा व्यक्ति से करने पड़ती है, वस्तु से करने पड़ती है, तो वो किस तरह से सेंटेंस आएंगे ये आपको ए स्टैंडर्ड नाइन स्टैंडर्ड टेन स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इलेवन में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसी तरह से सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये अगर तुम्हारे को समझ में आया होगा तो तुम चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना, ठीक है, थैंक यू।